तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कल मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर रेगुलर के फॉर्म कब तक निकलेंगे, ईएक्स के फॉर्म कब तक निकलेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ अपडेट है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट अपडेट जब आएगी तभी पता चल पाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों की जैसे कि आपको पता ही है, रेगुलर के फॉर्म निकल चुके थे 19 तारीख को। हालांकि कल 19 थी, लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हुआ था। हालांकि 9 बजे पोर्टल ओपन हो गया था। अब बात करते हैं रेगुलर और ईएक्स वाले जितने भी स्टूडेंट थे उनका क्या था। तो रेगुलर और ईएक्स वालों के भी निकल चुके हैं और उनकी अंतिम तिथि 20 मार्च है। जी हाँ, 20 मार्च उनकी अंतिम तिथि कर दी गई है, यानी कि रेगुलर और प्राइवेट फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मार्च है। और इसमें ईएक्स वाले भी शामिल है, यानी कि जो फेल हो जाते हैं वो भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 20 मार्च रखी गई है, और अगर आपको 20 मार्च तक ऑनलाइन करना है और जब आप कॉलेज में जमा करोगे तो वो 22 मार्च रखी गई है। आपको 22 मार्च तक अपने फॉर्म फिल करके कॉलेज में जमा करने ही करने हैं। इसके बाद इसमें कोई डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक महीने का टाइम दे चुकी है यूनिवर्सिटी। एक महीना बहुत होता है। अब बात करते हैं इनके एग्ज़ाम कब होंगे। देखो, 20 मार्च तक तो भरे ही जाएंगे, हो सकता है थोड़ी बहुत ही डेट भी बढ़ जाए, तो मार्च तो कम्प्लीटली इनमें खर्च हो ही जाएगा। अब बात है अप्रैल की, कम से कम 20-25 दिन लगते हैं एडमिट कार्ड आने में। तो 20-25 दिन यानी कि अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक डेट शीट आ सकती है, और आपके मई जून तक पेपर होंगे, यानी कि मई में स्टार्ट हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम और फिर मई जून तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि रेगुलर भी भर सकते हैं और प्राइवेट भी भर सकते हैं, और ईएक्स वाले भी भर सकते हैं 20 मार्च तक। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।